हाउ आर यू, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ चेकआउट किए हो गए। अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ चेक कीजिए एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक माई वीडियो और नॉट, और आप आगे क्या देखना पसंद करोगे। तो आज का टॉपिक है हमारा काइट। ओके, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। उसके लिए आपको सबसे पहले लगेगी स्केल, तो एक स्केल लेते हैं एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ये तो सबसे पहले ये एक काइट विथ ट्विस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टू लाइंस निकालेंगे। इसके लिए मैं आज ब्रॉडर स्केच पेन नहीं यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग अ नॉर्मल स्केच पेन। तो आप लोग भी नॉर्मल स्केच पेन ही यूज़ करना। ये मेरी एक लाइन हुई। मैं थोड़ी फैंसी वाली और क्यूट वाली काइट बना रही हूँ, आपको वो दिख ही जाएगा, बट लेट्स डू इट टूगेदर। इतना हुआ, अब हमने दो लाइंस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें इसे ज्वाइन करना है, बट बिफोर ज्वाइनिंग हम एक सेमी सर्कल टाइप बनाएंगे। ये हमारी थोड़ी सी फैंसी, ये हमारी थोड़ी सी फैंसी वाली काइट है, ठीक है। ये हुआ, इसके बाद में एक्चुअली ये काइट जो है, दिस इज़ अ काइट जिसके ऊपर हनी बी लगी है, ठीक है। तो हम हनी बी का फेस बना देते हैं। ठीक है, अब हमें एक और बार स्केल का यूज़ करना है और ये जो लाइन्स है ना इनको ज्वाइन करना है सो दैट ये प्रोपोर्शनेट और अच्छी दिखे। तो यहाँ से मैंने ये लाइन ली, यहाँ से मैंने ये लाइन ली, देखा कितनी परफेक्ट है ये हमारी लाइन्स। ओके, बाकी का काम हम इसका हेड बनाते हैं। अब हेड और इसको फिल कर देंगे, इसको फिल हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बाकी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। सो ये हुई हमारी बी की बॉडी, उसके लेग्स और ये हुआ उसका विंग, ठीक है। आगे हम आज ये हमारी हनी बी है तो इसके ये भी कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस इसके एक और, ये हमारी काइट के विंग्स हैं, ठीक है। आईज हम एकदम लास्ट में बनाएंगे आफ्टर कलरिंग सब कुछ होने के बाद में। और यहाँ पे हम इसके छोटों से हाथ बना देंगे। तो ये बन गए इसके विंग्स, बाकी सब रेडी है, सिर्फ फेस बाकी है। फेस एक्चुअली बना ही देते हैं, हम पहले ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इट वुड बी अ ब्लैक कलर, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम अभी सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। This is black and this is black, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम पिंक कलर लेते हैं, ठीक है। और हम हमारी काइट का ये बना देंगे, इसका हम आउटलाइन करेंगे बट बाद में करेंगे, ठीक है। और अब हम कलर कर देते हैं अंदर,
आपको जैसे ही कलर करना है, काइट्स तो बहुत कलरफुल होती है तो आपको जैसे कलर करना है आप लोग कर सकते हो, बट मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है पिंक कलर बहुत प्यारा दिखेगा, तो आई एम यूजिंग पिंक कलर। कलरिंग हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, सो दैट जब वो दिखता है ना, इट लुक्स वेरी नाइस व्हेन व्हेन द कलर स्ट्रोक्स आर गोइंग इन वन डायरेक्शन। जैसे अभी काइट का पोर्शन, आई नो कि यहाँ पे धीरे धीरे कलरिंग करनी पड़ती है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। And you need to follow same. तो आपको ऐसे धीरे धीरे कलरिंग करनी है, ठीक है? ओके। ठीक है, अब ब्लू विंग्स भी निकाल लेते हैं। वाओ कितने क्यूट दिख रहा है ना। और अब हम इसके हैंड्स में कलर करेंगे। और देखा आप लोगों ने, और उसके फेस में कलर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट मुझे इसके फेस में कलर नहीं करना है, बट हम एक और एक छोटी सी काइट बनाएंगे क्योंकि दिस इज इन स्काई, तो हम एक छोटी सी और एक काइट बनाएंगे जो स्काई में फ्लाई कर रही है। तो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे एक छोटी सी काइट बन लेते हैं, ठीक है? छोटी, एकदम छोटी। ये हम बस इसलिए ले रहे हैं कि लगना चाहिए ना कि हम स्काई में बहुत सारी काइट्स हैं, इसीलिए मैंने एक और काइट ली, और इससे आपको एक और पैटर्न भी पता चल जाएगा। एंड इसके बीच में जैसे कि हमने अब हम लेंगे ऑरेंज कलर, एंड यू कैन फिल इट विद ऑरेंज कलर। ये यहाँ थोड़ा सा क्लाउड दिखा देते हैं, एक छोटा सा क्लाउड बता देते हैं, सो दैट हमारी ड्राइंग कंप्लीट लगेगी। कहीं से डार्कर कहीं से लाइटर रहता है ना, तो मैं वही बस देने की वही करने की कोशिश कर रही हूँ विद क्लाउड ये। एंड हमारी पेंटिंग ऑफ काइट इज रेडी। बाय फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।